यहां पर एक s नाम से वेरिएबल बनाया गया है और इनपुट एक फंक्शन है, और इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है। देखिए यहां पर ये स्ट्रिंग ही एंटर करवाया गया यहां पे, और जो भी हम एंटर करेंगे ना ये यूजर एंटर करेगा, ठीक है। और यहां पर एक कैरेक्टर भी देना है हमें, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिए ये तो ठीक है, यहां पे प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसमें जो लिखा हुआ है वही प्रिंट हो जाएगा, यानी लिखा हुआ आ जाएगा स्ट्रिंग विद डिलीटेड कैरेक्टर इज। और फिर यहां पर रिप्लेस जो है प्री डिफाइंड फंक्शन, ये जो रिप्लेस आपको दिख रहा है ये पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या किया गया है, सी को प्रिंट करवाया गया है और साथ ही साथ रिप्लेस फंक्शन है और रिप्लेस स्पेस से कराया गया है। तो अब इसको चलाने की बारी है, तो एक बार F5 प्रेस करते हैं, ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो F5 प्रेस किया हमने और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा नाम प्रियांशु है ना, तो प्रियांशु ही लिखते हैं, तो ये हो गया प्रियांशु और एंटर कर दिया। तो एंटर किया तो कह रहा है कि एक आप कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमने आई एंटर किया, तो जैसे ही आई एंटर किया ना तो इसने क्या किया, आई को क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई को डिलीट कर दिया इसने, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम लिखा है ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कर दिया किससे, रिप्लेस कर दिया, डिलीट नहीं किया बल्कि रिप्लेस किया, यहाँ पर स्पेस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। जैसे हमने प्रियांशु एंटर किया तो प्रियांशु का आई गायब हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्पेस की जगह कुछ और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं एट द रेट, तो देखिए ये एक कैरेक्टर हमने दे दिया है एट द रेट। अब इसका मतलब ये है कि जो भी रिप्लेस करेगा उसकी जगह क्या दे देगा, एट द रेट दे देगा ये, ठीक है। यानी कि जो भी हम एंटर करेंगे, जैसे F5 किया हमने एंटर किया, ठीक है। अब पहली बारी में तो ये हमारा था, ये था पहली बारी वाला। अब दूसरी बारी देखते हैं, तो यहां पर एक नाम लिखता हूं सूरज, SURAJ, तो ये सूरज लिख दिया। अब यहां पर क्या करूंगा ना, एंटर करूंगा, तो कह रहा है कि इंटर कैरेक्टर जिससे कि रिप्लेस कराना है वो कैरेक्टर एंटर कीजिए आप, जिसे रिप्लेस कराना है। तो हम ए को रिप्लेस कराएंगे तो ए की जगह एट द रेट ये दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए को रिप्लेस करके क्या आ जा रहा है, एट द रेट आ जा रहा है। तो इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन का यूज करना है, ठीक है ना।